किस तरह का हमने एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म हमें क्रिएट करना है। तो अब ये देखिए कुछ फॉर्म इस तरीके से है, मैं इसकी कुछ आपको चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि ये कैसे बनेगा। फिर आपने 50% यहाँ बैठ के बना लेना है और 50% और फिर के मतलब पूरा इसको घर से बना के मुझे सेंड करना है, ठीक है। अब इसमें इस्तेमाल तो हम पूरे टेबल का ही करेंगे, लेकिन इसको तरीका क्या है, इसको इस तरह से काम करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, लिखने के बाद कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, मोर ऑप्शंस में जाके इसको ब्राउज करेंगे। यहाँ से ब्राउज करने के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके वर्ड फाइल्स पर क्लिक कर लेते हैं और हमने जो अपना फोल्डर बनाया था हाईएस्ट के नाम से उसमें जाके इसको सेव कर लेते हैं क्लास 05 के नाम से और जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे राइट बटन दबाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लीज प्रिंट ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड एक्सेप्ट सिग्नेचर। तो अब ये करने के लिए सबसे पहले आपने इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेआउट में जाके इंसर्ट में जाएंगे, टैबलो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लीज प्रिंट ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, एक्सेप्ट सिग्नेचर, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, एप्लीकेशन मे बी टेस्टेड, और इलीगल ड्रग्स, यहाँ राइट बटन दबाएंगे और उसको यहाँ से ये ले लेंगे। फिर क्लिक करके लेआउट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके बिलो क्लिक करेंगे और इस तरह से इंफॉर्मेशन पुट करेंगे प्लीज कंप्लीट पेज 1 to 5। और यहाँ पे एक स्प्लिट सेल करके कॉलम ऐड करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम जाके डेट। इसके बाद नीचे एक रो ऐड कराएंगे, उसमें ये नेम और कुछ रो का साइज बड़ा रखना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नेम और यहाँ पे कॉलन लगा के ओके कर दिया। उसके नीचे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड नेम इस तरह से वो बताया गया है जैसे डायरेक्शन में, वो आपने उसी तरह से बताना है। तो इंसर्ट ब्लो करेंगे, अब ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह कैसे लिखेंगे इसका एक तरीका ये हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कॉलम में इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जाके स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, 4 कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं इसको, ऑलरेडी एक था तो इसको सिलेक्ट करके दोबारा से मर्ज करेंगे पहले और फिर जाके स्प्लिट सेल करके 4 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद लास्ट फर्स्ट मिडल मेन इनको लिखने के बाद इनको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और इसको जाके लेआउट में सेंटर कर देंगे। हाँ, ये जो ऊपर वाला है इसको सेंटर नहीं करेंगे, इसको टॉप सेंटर करेंगे और इसकी रो की हाइट को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि वो जैसा दिखाई दे रहा है वैसा हमें दिखाई दे, ये इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद इसके नीचे स्प्लिट रो एक और ब्लो एड कराएंगे और फिर ये प्रेजेंट एड्रेस इस तरह से रहेगा। इसका भी मामला यही रखेंगे, टॉप करेंगे इसको सेंटर पर सेट और इसको जो है सबको सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद नीचे जो है, अच्छा इसमें भी वही टेक्निक थी, तो मर्ज करने से पहले अंडू कर दिया मैंने इसको, इंसर्ट ब्लो कर ले ताकि इसी तरह का मामला एक और उसके नीचे ऐड हो जाएगा, फिर इसको आप यहाँ पे मर्ज कर दें यहाँ से और उसको टॉप सेंटर कर दें और रो की हाइट को थोड़ा सा बढ़ा दें इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऐसे नज़र आने लगेगा आपको, नंबर स्ट्रीट सिटी स्टेट जिप। अच्छा, अब इसमें 5 कॉलम की रिक्वायरमेंट है तो मर्ज करके स्प्लिट सेल करके 5 कॉलम ऐड करा दें ताकि आपने यहाँ पे जो जो चीज़ें इंफॉर्मेशन अलग से लेनी है जैसे नंबर स्ट्रीट और हाउस नंबर इसमें आ जाएगा नंबर वाले सेक्शन में, स्ट्रीट सिटी और फिर यहाँ पर आ जाएगा स्टेट जिप, स्टेट और जिप। तो ये इस तरह से बनता चला जाएगा। उसके बाद ये सोशल सिक्योरिटी नंबर है ये, अब इसमें ये इसी तरह से सारी चीज़ें ऐड होती आएंगी रो के तौर पे। तो ये वाला सेक्शन कैसे क्रिएट होगा इसको ज़रा देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक रो ऐड कराता हूँ पहले और इसको मर्ज कर देता हूँ, तो ब्लो करके 3-4 रो ऐड करा लेता हूँ। के बाद यहाँ पर ये 3 रोज का मामला कैसे होगा, इस रो को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको क्लिक करके यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ मैं 2 हिस्सों में। इसके बाद यहाँ क्लिक करके इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे एक मसला आएगा कि जब इसको चेंज करेंगे तो ये ऊपर वाला इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्लिक करके स्प्लिट टेबल कर दें पहले आप,
अब ये डिस्कनेक्ट हो गया, ये अलग रहेगा। लेआउट में जाकर क्लिक करेंगे यहाँ से और इंसर्ट ब्लू करेंगे। जैसे इंसर्ट ब्लू करेंगे तो ये तीन रोज हमने ऐड करा ली इसके साथ, और ये इन रोज की हाइट भी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे हम। सेलेक्ट करके फिर इस वाले सेल को यहाँ से कर देंगे हम मर्ज, और फिर यहाँ रख के इसको डिलीट कर देंगे। तो ये इस तरह से इसके अंदर ऐड हो जाएगा। फिर जो भी टेक्स्ट वगैरह है वो आप इसमें इजीली राइट कर सकते हैं। उसके बाद रही क्या, ये वाला सेगमेंट ये कैसे बनेगा? ये वाला सेगमेंट भी ऐसे ही बनेगा। तो नीचे वाला जो सेगमेंट है बेसिकली ये कैसे काम बनेगा, इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ बनाने का। इसको अलग से बना लेते हैं, एक इंसर्ट में जाके टेबल पे क्लिक कर लेते हैं, एक रो ऐड करा लेते हैं। ये रो ऐड करा के थोड़ा सा एजुकेशन अदर इंफॉर्मेशन लिखना है इसके अंदर। लिखने के बाद हमने इसका करेक्शन कर देना है स्पेलिंग मिस्टेक का, डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है और लेआउट में जाके इसको अपने सेंटर कर देना है। होम में जाके इसको चेंज केस पे क्लिक कर देना है। फॉन्ट साइज इसका हेडिंग वन में कन्वर्ट कर दें, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि 18 पे तो सूट नहीं करेगा। तो डिज़ाइन में जाके मैं यहाँ से एक अलग ही फॉन्ट ले लेता हूँ उसका, होम में करता हूँ यहाँ से इसका फॉन्ट साइज कम करके 16-14 पे सही रहेगा, लेकिन इससे ये सेंटर में नहीं आएगा। तो आपने ये करना है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, इसका ख़त्म कर देना है। फिर रो की हाइट इसकी थोड़ी सी बढ़ा लेनी है, और ये ऑटोमेटिकली दोनों साइड से सेंटर पे क्लिक करने में ऐसे सेंटर पे आ जाएगा। इंसर्ट ब्लू करेंगे तो वो नीचे वाली रो भी इतनी ही बड़ी ऐड होगी जितना बड़ा ये था, लेकिन इतनी बड़ी नहीं, हमें इससे बड़ी रो चाहिए इसके नीचे। तो उस रो को आपने ऐसे करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा और हाइट बढ़ा देनी है, आई थिंक 0.5 पे सही रहेगी वो रो, और इसका साइज 0.3% रहेगा। ठीक है, इसको स्प्लिट कर देना है इसको इसके साथ। इसके नीचे एक और रो ऐड करा लेनी है, और वो नॉर्मल रो होगी, इंसर्ट ब्लू करेंगे तो उसका साइज आपने 0.1 ही रखना है, जो एज यूजली होता है 0.1। ठीक है, 0.1 है, और ये मर्ज रो है, मर्ज रो है। ठीक है, इसके जो कॉलम्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम्स में डिवाइडेड है, तो स्प्लिट सेल करके 5 कॉलम्स में डिवाइड कर दें, एडजस्टमेंट कर दें कौन सा कॉलम छोटा और बड़ा रखना है, वो पहले डिसाइड हो जाएगा। इसके बाद अब इसमें देखें कर क्या रखा है इसने, इस रो का शेड रख रखा है इसने। तो टेबल में जाके यहाँ से शेडिंग पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से शेड ही गायब है। मोर कलर्स में जाके यहाँ से एक शेड ले लेते हैं कस्टम शेड्स में, ओके कर देते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करेंगे। 3, 4 कितने चाहिए हमें, 1, 2, 3, 4 चाहिए, 4 आ गए हमारे पास, और ये इस तरह से ऐड हो जाएगा। लास्ट वाले में सिर्फ आपको ये वाला एक सेगमेंट चाहिए, तो एक और दफ़ा ऐड कर लें। पेस्ट 5 हो गए, तो इस वाली रो को सिर्फ डिलीट कर दें, ये आखिरी वाली रो रिक्वायर्ड नहीं है, तो डिलीट ड्रॉ कर दें। तो ये देखें इतनी आसानी से ये चीज़ इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। फिर इसमें डेटा आप अपना फिल कर लीजिएगा, जिसको बोल्ड करना है बोल्ड कर लीजिएगा, टॉप अलाइन सेंटर अलाइन रखना है। ये वाला सिंबल आपको बता चुके हैं कहाँ मिलेगा, इंसर्ट में जाके सिंबल में चेक बॉक्स मिलेगा, यहाँ से ये राउंड बॉक्स ले लेना है, और ये सारी चीज़ें आपने इस तरह से करने की कोशिश करनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात ये? तो अभी इसको टाइम है तो इसको बैठ के आप 50% बना लें इतना, और बाकी फिर पूरा इसको मुझे घर से बना के फिर आपने वही स्टेटस लगा के व्हाट्सएप पे से सेंड करना है।